काकीनाडा जो रुचि का फैक्ट्री है, जिसके लिए मैंने बोला कि अभी तक रुचि एक फैक्ट्री थी, अब वो एक पूजा स्थल, एक देवालय बन गया है। क्योंकि पतंजलि जो कुछ भी प्राप्त करता है प्रॉफिट के रूप में, वो चैरिटी के लिए है। तो ये रुचि का जो मंदिर है, जो आपके देह रूपी मंदिर के लिए अलग अलग प्रकार के तेल बनाते हैं, और उसमें नेचुरल ऑयल के अलावा रिफाइंड ऑयल होते हैं, चाहे वो पाम ऑयल है, जो सनफ्लावर है, चाहे वो सोयाबीन है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। उन इम्प्योरिटीज़ को उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वैक्सीन आदि होते हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको हटाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाते हैं। और यद्यपि ये दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना 2002 का बना हुआ यूनिट है, तो भी इसको अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करते हैं, तो जा कर के ये इतना बड़ा प्लांट जो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरा प्लांट का आउटर व्यू है, और यहाँ पर लैब है हर जगह पर, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप सोचिए कि लगभग 18 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। ऐसे रुचि सोया की देश में 22 यूनिट्स हैं, जिससे कि एडिबल ऑयल फील्ड में देश का सबसे बड़ा ब्रांड यदि है, साउथ में रुचि गोल्ड है, फिर अलग अलग जगह कहीं रुचि गोल्ड है, कहीं पर फिर सनफ्लावर का हमारा यहाँ पर जो ब्रांड है सनरिच है, महाकोश है, और न्यूट्रीला है, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के साथ में ये देश का एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा ब्रांड है रुचि। को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए तीन काम बड़ा करना पड़ेगा। पाम प्लांटेशन, दूसरा सोया का, बहुत सोयाबीन का बहुत खेती बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरा सन। ये करीब 90-95% हमको बाहर से जो तेल और एडिबल ऑयल आता है
जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए देश का बाहर जाता है। 1.5 लाख करोड़, हाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए बाहर जाता है। उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ये 12 एकड़ का फार्म है हमारे मरनी साईराम जी, ये मरनी साईराम जी हैं, यहाँ के फार्मर हैं और इनके फादर हैं राजा राव जी। और आपका ये 12 एकड़ का, ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं जो बोने वाले हैं किसान, उनका स्टेट का पूरा जिम्मे संभालते हैं। क्या नाम है? रामा रेड्डी जी। और सेक्रेटरी आपके? ये इसका स्टेट प्रेसिडेंट, जिले प्रेसिडेंट, जिले का प्रेसिडेंट मुजी बाबू जी। तो ये थोड़ा सा शेप इसका जो पौधे का है तो थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसा फ्रूट होता है। इसको तोड़ते कैसे हैं फिर? स्टूल से बंच एक निकाल के फ्रंट और बाद में ये कट करते हैं। ये अच्छा, पूरा रेड होने के बाद वो अच्छा रेड होने, ये हुआ निकाल रहे पूछ रहे ऐसा ऐसा रेड होने अच्छा ट्री। इसको चीटी लेके ऐसे काटते हैं जी, ये पहले इसको कटिंग कटिंग पहले इसको निकालते हैं, कटिंग लेके पूरा बंच का बंच ही निकलता है, बाद में बंच आ जाएगा, पूरा बंच आ जाएगा। और ये रेड है, ये वाला है रैपिन हो गया अभी हार्वेस्ट करने के लिए। अब ये एक कट करके हमारा इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर में हम उस प्लांट को। और ये थोड़ा थोड़ा कम रेड है, वो अलग है, ये अलग ब्रीड है, ये ब्रीड अलग है, ब्रीड अलग है। फिर ये है, ये जो कट करने के नीचे जो गिरते हैं पूरा लेते हैं स्वामी जी, ये हाँ इसमें तेल ऐसे ऊपर में रहेंगे, ऊपर वाला इसमें अच्छा तेल ऊपर आता है। हाँ ये वाला जो कट करे तो ये जो है ना CPO, हाँ ये हाँ ये तेल है। इसके ऊपर भी तेल है, अंदर भी तेल, दोनों तरीके। तो ऊपर वाला जो तेल है वो जो है उसको पाम ऑयल बोलते हैं, पाम ऑलिन बोलते हैं। जो अंदर जो तेल होता है कैनल तेल, कैनल ऑयल बोलते हैं उसको। ये एकदम नारियल तेल जैसा होता है। तो दरअसल पाम ऑयल के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिथ भी है। मैं भी इसको पहले ऐसा सोचता था कि ये जो पाम है ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको यदि पूरा डीपली देखेंगे तो इसमें भी अभी कई क्वालिटी बनने लग गया है। अभी तो इसका भी पीछे मलेशिया से लोग आए थे, हाँ, वो दिखा रहे थे उसमें इधर कल्टिवेशन है वो तो बोल के बोला था, फिर भी अभी पूरा हम अच्छा कल्टिवेट को मलेशिया के ज़्यादा हम कल्टिवेट करें। हाँ नहीं, और वो बोलता था कि इसका भी जो है वर्जिन क्वालिटी का इसका भी ऑयल बनाने का टेक्नोलॉजी है, अभी अभी आगे विकसित कर रहे। और इसका जो सीड है उसका ऑयल, ऐसे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सीड का भी जो ऑयल है वो खाते हैं, लेकिन लोग उसको नारियल तेल में मिक्स करते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर्टी माने उसके जो पूरा अंदर का उसका जो फूड वैल्यू है पूरा वो पूरा का पूरा नारियल तेल जैसा ही जैसे है। और ऐसे झाड़ भी नारियल तेल, ये तो एक ही प्रजाति है ना। हाँ हाँ, एक ही फैमिली है समझिए। तो फैमिली क्या फैमिली बोलते हैं उसको? पाम फैमिली, पाम फैमिली पूरा। तो नारियल और जो ताड़ी सब ये सब एक ही फैमिली। तो चाचा ताऊ है सभी चाचा ताऊ। ये कितने साल का हो गया ये? 7.5 से 8 years स्वामी जी, 7 से 8 साल का हुआ है। और ऐसे 25 साल तक है? 25 साल तक। तो ये 25 साल तक चलता है। और इसको यदि देश में अब ये करीब 2 लाख हेक्टेयर में है, उसमें रुचि जो कर रहा है वो करीब 50,000 हेक्टेयर में कर रहा है, बाकी माने करीब करीब जो है 25% जो शेयर है वो रुचि का है। इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, यदि 20 लाख हेक्टेयर के अंदर 20 लाख में हेक्टेयर हम कल्टीवेशन करें तो पूरा आत्मनिर्भर देश हो जाए। अब बताओ, ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और इसमें ऐसा बहुत कम भी पैदावार नहीं होता है, माने इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिर रख रखाव की जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तो सावधानी रखना पड़ता है, तो भी अच्छा अच्छा पैदावार हो जाए तो 40 से 50 हज़ार भी कमा सकते। रूट्स जो है इधर रहेगा, जो बड़ा होने का वजह पूरे 3 मीटर जो इधर फर्टिलाइजर जो नीचे पानी इधर से लेता, उधर से नहीं लेता, अच्छा थोड़ा दूर से लेता है, इधर से लेता। हम जो एप्लीकेशन जो न्यूट्रिएंट्स करते हैं इधर से यहाँ करते हैं।
अब इसको तो ऑर्गेनिक पे भी लेके आ रहे हैं पूरा जो है स्वामी जी फ्रंट को कट करते हैं ना बंच हमारा फैक्ट्री चले जाएगा जो पत्थर है ये पूरा स्मॉल्स पर कट करके इधर ही चला जाएगा ऑर्गेनिक में पूरा रिसाइकिल हो रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर से इसको फर्टिलाइज करना वो ज्यादा अच्छा है जी कर रहे हैं उससे लैंड के लिए भी अच्छा है और ट्री के लिए भी अच्छा है इसको चाप कटर लेके टुटोड़ा कर रहे हैं हां उसके हिसाब से पानी भी कम लग जाता है हां और उससे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज बन जाता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉइस्चर बन जाता है ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ये तो इसके अंदर तो मतलब पूरा गर्मी भी ज्यादा नहीं लगता 2-3% टेंपरेचर कम हो जाता है 5 डिग्री और इसको पाम को कैसा टेंपरेचर चाहिए ज़्यादा ठंड में भी नहीं होता टेक्निकल का ऐसे बोलते हैं स्वामी जी 18 से 30 डिग्रीज तक हम इधर कल्टीवेट कर रहा है -13 डिग्रीज टू अप टू 50 डिग्रीज तक आंध्र में टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाएगा फिर भी ये सस्टेन हो गया जनरल टेंडेंसी अप टू 30-35 डिग्रीज ओनली तो आप यहाँ यहाँ मैक्सिमम कितना चला जाता है 45-50 तक भी चल अभी और नीचे नीचे इधर तो ज्यादा नहीं है दूसरा जगह 30 इधर अब वैसे 18 जैसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में उधर उधर एक 8 to 10 डिग्रीज डाउन लेकिन 5 डिग्री होगा तो नहीं चलेगा ऐसे नहीं स्वामी जो ग्रोथ है वो हिसाब से नहीं आया जाएगा फल तो थोड़ा कम हो जाएगा इधर इफेक्ट नहीं है क्यों बोलते हमारे फार्मर पूरा देखभाल कोस्टल एरिया में तो बहुत अच्छा हो सकता है ना कोस्टल में आई तो सक्सेस तो आ गया हमारा कभी पहले एक ही जमीन था अभी दूसरा जमीन भी आ रहा है ब्लैक सॉइल भी आ रहा है और रेड सॉइल भी आ रहा है लेकिन कोस्टल एरिया कोई इसमें ये गारंटी ये तो नहीं है सर कोई कहीं भी आ सकता है कहीं भी आ सकता है सॉइल सॉइल का और सॉइल क्वालिटी होना चाहिए क्वालिटी होना चाहिए पानी होना सॉइल सॉइल क्वालिटी वाटर पानी जरूरत है पानी पूरा होना चाहिए सॉइल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए टेम्परेचर जो है वो 10-15 चलेगा 18-36 लेकिन मलेशियन टेम्परेचर के हिसाब से 35 डिग्री मैक्सिमम है सर लेकिन वहाँ का रेनफेड के ऊपर निर्भर करता है तो 45 डिग्री तक तो चलेगा हाँ चलेगा जी इसमें गर्मी का टाइम में भी ज्यादा फायदा होता है मई जून में पीक सीजन मई जून में ज्यादा आता है जी अभी तो मलेशिया से भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं ये हमारा फार्मर सूत्र का ज्यादा लेके आ रहा है ये बीच में नारियल भी लगाया है पूरा नहीं उनका घर का खेत खेत में बचा हुआ होगा ना फ्रूट है जी जी इसको 48 आवर्स में प्लांट में ले जाना जरूरी है जी। तो 48 आवर्स में जाता है तो तेल अच्छी क्वालिटी का मिलेगा मिले तो FFA लेवल बढ़ जाएगा इसका एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा वहाँ पर इसका क्रशिंग का भी यूनिट लगाना जरूरी होता है नजदीक में होना चाहिए हाँ नजदीक में होना चाहिए कि 48 आवर्स में पहुँच जाए 100 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में होना चाहिए तो ऐसा इसी तरह का अरेंजमेंट है इसलिए रुचि ने जहाँ पर प्लांट प्लांटेशन कराया वहाँ क्रशिंग यूनिट भी साथ में लगा क्या नाम है सिदंबरेश्वर राव जी आपका तो बड़ा 30 एकड़ का है वेरी बिग ये 30 एकड़ का पूरा फार्म है और इसमें तो ये पथरीली मिट्टी है तो भी हो जाता है हाँ होता है तो सब ये करना है मल्चिंग अच्छा करे तो मॉइस्चर कंटेंट तो ऐसा देखो इधर रेतीला जमीन मिट्टी है इसमें पत्थर बहुत है उसके अंदर भी बहुत अच्छा प्लांटेशन हो रहा है ये एक साल 10 महीना हुआ अभी लगभग 2 साल होने जा रहा है तो भी बहुत अच्छा प्लांटेशन है क्या बात है वेरी गुड अभी ये वाला जो है ना अभी अपना फ्लावर छोटा फ्लावर आते हैं ये टाइम हम निकालते हैं वाला निकाले तो गर्त बढ़ जाएगा तो बाद में 30 महीने के बाद फल आ जाएगा अब 30 महीने के बाद हम छोड़ेंगे पहले पहले निकाल छोटा छोटा आए तो निकाल के रखेंगे तो उससे अच्छा ग्रोथ अच्छा ग्रोथ हो जाएगा बाद में बचपन में बच्चे नहीं करते चाइल्डहुड में चिल्ड्रन इसको तोड़ देते हैं हाँ
उधर भी छोटा सा बंच आएगा वो भी निकाल लेंगे। वाटर कंजर्वेशन थोड़ा पानी में ड्रिप इरिगेशन होता है, पूरा थोड़ा पानी में गुजारा हो जाता है। यदि आप गन्ना बोते हैं, यदि आप पैडी बोते हैं, राइस और शुगर कैन आप बोते हैं, और इवन वीट में थोड़ा कम, राइस में शुगर कैन में और ज़्यादा, इतना पानी लगता है। ये तो थोड़े से पानी में फार्म हो जाता है, ये भी उस दृष्टि से अच्छा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू। हाँ, अभी इसको बहुत बढ़ाना है। ये भाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं लेकिन एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर में आप अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। तो मैं बोलता था ऑर्गेनिक वो होना चाहिए, गोमाता का गोबर से डाला है इसने, और इसका फिर पत्ता आता है उसको भी क्रश करके डाल देते हैं तो उसका भी खाद बन जाता है। तुम्हारा कितना साल का हो गया है? ये 2008 में डाला जी। कृष्णा रामकृष्ण, कितना साल का हो गया पेड़ ये? अभी 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो ये पेड़ पहले वाला छोटा था वो 6-7 साल का था, ये 10 साल का हो गया है। तो इसको जब बड़ा हो जाता है तो आदमी चढ़ता कैसे है? नहीं नहीं, वो पाइप से लेते हैं। इसका जो तुम जो रेट देते हो तो इसका जो डंडा है वो भी तो उसमें आता है, डंडा कट करके लेके आते हैं, कट करके लेके आते हैं। कोई ऐसे लगा देते बट फिर हम बोलते रहते फार्मर्स को कट वो मशीन लग जाएगी नहीं तो क्या कर, तो वो तेल निकाल के बाहर चले जाएगा, वो स्पीज वो रबर जैसा रहता है, स्पंज जैसा, वो तेल पकड़ के बाहर निकल जाए, उसमें हम फार्मर साइड नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम फार्मर बोलते रहेंगे ऊपर कट करके लेके आओ बोलते रहते। छोटा वाला ही तो 5 मीटर रहता, वो ऐसे कट करते, बड़ा लोग टेलीस्कोप रहते, बड़ा होते क्या और भी टेलीस्कोप रहते, अपने घर में ही बनाते डंडे से, ये पूरा हम इम्पोर्ट करते हैं स्वामी जी, पूरा इम्पोर्ट करके फार्मर सप्लाई करते हैं, पूरा हल्का है, हल्का है, इम्पोर्ट करके हम बार बार देते हैं। रुचि तो इसमें सब्सिडी दे रही थी फार्मर, तो ये हल्का है बहुत, और ऊपर का जो है वो भी ऊपर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते बट हम क्वालिटी वाले उधर से लेते हैं। ये क्या है? टाइटेनियम का आलो, आलो भाई, तो इसीलिए अच्छा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत बहुत लाइट वेट है, तो उठा के देखा तो कोई वजन ही नहीं है। हाँ आपका 100 एकड़ कहाँ पर आपका? जस्ट 10 किलोमीटर सर, तो इनका 100 एकड़ है। बहुत अच्छी बात, बहुत प्रोग्रेसिव फार्म है स्वामी जी। क्या नाम है? लच्छे दोरा बोलते हैं, तो दोरा जी को 100 एकड़ का क्या बात। और रामकृष्णा का, मेरा बचपन का नाम रामकृष्णा, तो इसका भी रामकृष्णा का ये कितना एकड़ है? ये 7 एकड़ का। 7 एकड़ का, बहुत अच्छा, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। रवि लक्ष्मी का भी 50 एकड़ का फार्म है इसका, बहुत अच्छा। अब ये तो इसको तो बहुत आगे फ्यूचर बहुत अच्छा करना है इसका, बहुत अच्छा कर रहा है। ये ऑर्गेनिक भी फार्मिंग कर रहे हैं, ये फार्म का पूरा, तो ये अच्छी बात है कि धरती माता भी बचेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, और जो जिसको प्रोडक्ट मिलेगा उसको ज़्यादा हेल्दी। तो ये रुचि सोया का नर्सरी है यहाँ, इधर हम लोग पाम प्लांटेशन के लिए नर्सरी करते हैं, और ये काफ़ी बड़ा नर्सरी है, अच्छा है, और इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी है, तो ये बहुत अच्छा नर्सरी है इधर। और इसको जैसे राजस्थान में ये फव्वारे से खेती करते हैं,
तो इसको ऊपर से पानी दे देते हैं, कितनी देर में तैयार हो जाता है इसका नीचे सीड से? सीड से जो है तुम 12 महीने के बाद भी देंगे, 12 महीने ग्रो करके 15 महीने को 18 महीने को हम फार्मर 12 से 15 महीने में फिर किसान को दे देते हैं पूरा, और सारा इसके अंदर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है इसका नर्सरी तैयार करने में, फार्मर को 10 ही रुपये का देते हैं, 10 रुपये। और इसका लागत कितना लग जाता है एक पौधे के ऊपर? अराउंड 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, करीब 100 रुपये इसका लागत लग जाता है, तो बहुत अच्छा है। रुचि के पास जो करीब 50,000 हेक्टर लैंड के अंदर पाम प्लांटेशन, उसमें करीब 33 हेक्टर वो आंध्रा में है, और उसमें करीब 100 ऐसा कलेक्शन सेंटर है, यहाँ इंफॉर्मेशन भी मिलता है सारा पाम प्लांटेशन के बारे में। और ऐसे ये सीड कलेक्शन करके फार्मर अपने खेत से ऐसे लेके आते हैं अलग अलग जगह से, और फिर ये उधर रुचि का प्लांट में ऐसे जाता है। इसका भी इन्होंने बढ़िया टेक्निक, इतना भारी एक बंच है उसको एक स्टिक से डाल करके उठाते हैं। उठा ऐसे क्या बात है। कितना आता है एक ट्रक में? 17 टन। अरे स्वामी जी ये वाला भी बताएंगे ना, ये ऊपर वाला जो सीपीओ आते हैं, ये शेल है, इसमें कर्नल है। हाँ, ये जो कर्नल ऑयल बोल रहे थे आकड़ा, ये पूरा इसके अंदर का जो बीज है इसमें ऑयल निकलता है, कितना परसेंट निकलता है? ये ऊपर का 17% का था आई टन के लिए, एक 100 किलो में कितना ऑयल निकलता है? 17 से 18 की जो है ये तो ऑयल निकल जाता है इसके अंदर, और ये जो अंदर वाले में कितना ये कितना परसेंट तक आ जाएगा? ये नहीं, 100 kg में ये कितना निकलता? 2 kg ओनली 2 kg निकलता है। और इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, वो नारियल से भी ज़्यादा अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है। अभी तक इसको लोग आइसक्रीम में और उसमें सब में डालते हैं लोग। एक एक का वेट कितना हो जाता है? 25 से 30 किलो तक इसका एक एक का वेट हो जाता है। क्या बात, बढ़ोतरी। हाँ, ये तो 40 की जरूरत, ये भी मोटा है, 45-50 तक। ऐसा करीब 100 कलेक्शन सेंटर्स है रुचि का, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा कर रहे हो सब लोग। पटने से तो पाम के लिए बना है नागार्जुना। अच्छा, एक्सक्लूसिव फॉर इसके लिए पाम है। स्पेशल बनाए, स्पेशल बनाया। पहले क्या करता तो पटले से नहीं मिलता था एम्ब्रो फेसेस पे, वो पूरा मिला के एक ही मेथड में हम दे रहा स्वामी जी, ओनली एक्सक्लूसिव रुचि, दूसरा कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं करा। फिफ्टीन एकर्स के अंदर पहले 30 years का पूरा दूसरा फार्म हो गया था, बड़ा बड़ा वो बड़ी वो सब झाड़ निकाल दिया है सब निकाल के, और अभी नया झाड़ लगा ऐसा ऐसा था प्लान, और अभी नया लगा ये मैंने नया लगा। ओ
स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। आपका खेत सबसे अच्छा हो, खूब बढ़िया हो।